मनाली होटलियर एसोसिएशन की बैठक प्रधान गजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भाग लिया। बैठक में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटल व्यवसायी खासी उत्साहित दिखे और पर्यटकों को 20-25% छूट देने का फैसला लिया। इस मौके पर विभिन्न विषयों पर गहनता से चर्चा हुई, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मनाली के कुछ होटलों को नोटिस दिए गए हैं कि जिसके 25 कमरों से ऊपर वाले होटल हैं उनकी जांच होगी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटल व्यवसायी खासे उत्साहित दिखे और पर्यटकों को 20-25% छूट देने का फैसला लिया। आज की जो सभा बुलाई गई वो आपातकालीन सभा थी, वो इसलिए कि भी कुछ लोगों जो हमारे मेंबर होटलियर्स थे, कईयों के नोटिस इशू हुए हैं या कोई एक खबर है कि कमेटी बनी है और 25 कमरों से ऊपर के होटल्स को इंस्पेक्ट करेगी। तो निश्चित तौर पर जब हम इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, मनाली होटल एसोसिएशन के बैनर तले हमारे सदस्य हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता था कि हम उनके सुख दुख में साथ आएँ और उनसे पता संपर्क करें कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने सभी मनाली के जो इतने भी होटलियर्स एसोसिएशन के सदस्य थे सभी को आमंत्रित किया था और सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। सुझाव के बाद हम कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं ले पाए क्योंकि लोग कागजों के साथ नहीं आए थे। हम चाहते हैं कि जब पहले हम सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक करें उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन पे हम जो हिमाचल प्रदेश में हमारा मनाली पर्यटन स्थल है को संशय के घेरे में घिर रहा था, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना एक अपनी मीटिंग करें और मीटिंग में ये पारित करें कि जितने भी टूरिस्ट चाहे देशी हों विदेशी हों मनाली आए बर्फ़ देखने, बर्फ़ की दीदार करना है, हनीमून मनाना है, तो उनको हम इतनी सुविधा दें उनको लगे कि इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी चर्चा की है कि जो होटल डिस्काउंट देना चाहता है वो डिस्काउंट दे दें, 20-25% के आसपास दे दें, जिनका सामर्थ्य है वो कस्टमर को ये डिस्काउंट दे सकते। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।